Hello, my dear kids. Welcome back to the Brain Root series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are learning English grammar class 7th. Here is a book, and the name is Grammar Glitter Odyssey. And today we are going to start with chapter number 17, and the name of the chapter is Interjections. So, let's, children, start this chapter. इंटरजेक्शंस आर इमोशन वर्ड्स तो आपने फील किए होंगे बहुत सारे इमोशंस अपनी लाइफ में तो ये जो इंटर इंटरजेक्शन है ये क्या है इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं दे आर वर्ड्स विथ दैट कम्स आउट ऑफ द माउथ एट द टाइम ऑफ अ सडन फीलिंग ऑफ जॉय और सॉरी सो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो एकदम से हमारे मुंह से निकलते हैं जब कोई फीलिंग होती है जॉय की खुशी की या फिर सॉरो मीन दुख की इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच ये पा, जो स्पीच है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड इट शोज इमोशंस ये इमोशंस को बताता है एंड फीलिंग्स ऑफ द स्पीकर और द राइटर ये स्पीकर की फीलिंग्स को बताता है एग्जाम्पल इज हेलो वॉट इज द मैटर क्या प्रॉब्लम हुई है तो हेलो इज इंट्रोडक्शन हाउ डिड दैट है किसी तरीके के सरप्राइज या सैडनेस को डिस्क्राइब करता है सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन ऑफ फियर फियर बताता है ये वेरियंट ऑफ यस यस को शो करता है ये पी एक्सक्लेमेशन ऑफ सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन को बताता है टू इंडिकेट दिस प्लीज दिस प्लीज को इंडिकेट करता है ओ समथिंग ए सो क्यूट कोई चीज बहुत ज्यादा क्यूट है तो हम oh, ओ को यूज करते हैं ए मीन्स क्वेश्चन समथिंग कुछ आप क्वेश्चन करना चाहते हो ओ नो शोइंग दिस में नॉट नोइंग वॉट टू से

Hmm, hesitating about something. Ouch, exclamation of pain. Shh, an indication of silence. Bingo, acknowledgement. I acknowledge something is right. And sorrow for something, uh, showing a feeling of deep distress caused by loss. बिफोर interjection. So, interjection किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने के पहले और इसमें हमेशा इंटरजेक्शन वर्ड्स के बाद आपको एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर मिलेगा सो चिल्ड्रेन लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज द फर्स्ट क्वेश्चन सो यहाँ पे कुछ uh, दिए गए हैं कुछ इमोशंस दिए गए हैं आपको लिखना है और बताना है कि ये क्या रहे हैं? Well really आप किसी को शाबाशी दे रहे हैं सो फीलिंग प्राउड जब आप किसी से प्राउड फील करते हो तो आपको ये इमोशन यूज करना होता है एंड ओ फीलिंग यू कैन से वॉट अ हॉरिबल एक्सीडेंट तो आप कह सकते हो फीलिंग पिटी और फीलिंग सॉरो सो लाइक दिस चिल्ड्रेन कंप्लीट द रेस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स सूटेबल इंटरजेक्शन फ्रॉम द बॉक्स तो बॉक्स में से हमें कुछ इंटरजेक्शन दिए गए उन्हें फिल करना है

आ, हेलो, हाश, आओ छोरे, इन सारे वर्ड से आपको क्या करना है सेंटेंसेस बनाने इन इंटरजेक्शन को यूज करके इंटरजेक्शन टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग